व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विदेश योग के बारे में। हालांकि मैं पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने आपको बताया है कि कुंडली के अंदर हम विदेश योग को कैसे देखते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हस्तरेखा के अंदर आप विदेश योग को कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप विदेश में यात्राएं करेंगे या फिर विदेश में सेटलमेंट होगा आपका, विदेश यात्रा करेंगे किस पर्पज़ से करेंगे, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि हमारे पाम पर यानी कि हमारी हथेली पर जो रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और कौन सा एरिया किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारा हाथ का कौन सा एरिया किस प्लैनेट से जुड़ा होता है, जिससे कि आपको ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि विदेश की जो आपने लाइंस देखनी है वो कहाँ पर देखनी है। दोस्तों, ये जो एरिया होता है ये शुक्र का एरिया होता है, वीनस का। इस एरिया को हम वीनस का एरिया कहते हैं, शुक्र का एरिया। और ये यहाँ से ये जो हिस्सा आता है ये होता है मून का एरिया, चंद्र का। तो दोस्तों, जब भी हमने विदेश योग की जांच करनी है तो हमें चंद्र के एरिया को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी है। जो चंद्र का पर्वत जिसे हम कहेंगे या चंद्र का जो पार्ट कहेंगे, वहाँ से हम ये देखेंगे कि आपकी हथेली पर, आपके पाम पर विदेश की रेखाएं हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ये जो एरिया है ये चंद्र का एरिया कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का। और इसी के अंदर की जो रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से बनी होती हैं, इस तरीके से ये यात्रा रेखा होती है, इस टाइप से रेखाएँ होती हैं, ये यात्रा की रेखा होती हैं। जितनी ज़्यादा रेखाएँ होंगी या जितनी डार्क रेखाएं होंगी उस हिसाब से यात्रा ज़्यादा या कम हो सकती है। यानी कि ज़्यादा रेखाएं होंगी तो बहुत यात्रा करता है ऐसा व्यक्ति, और जितनी डार्क होंगी उतनी दूरी पर यात्राएं होती हैं। जितनी इन रेखाओं की लंबाई ज़्यादा होती है उसके आधार पर दूरी होती है। जो छोटी छोटी रेखाएँ होती हैं वो शॉर्ट जर्नीज़ के लिए होती हैं। सपोज़ करो जिनकी हथेली पर छोटी रेखाएँ हैं, इस एरिया में ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं हैं इस टाइप से, तो ऐसे लोग ज़्यादा फील्ड वर्क में होते हैं। जिनकी यात्राएं शॉर्ट, जिसे हम कहेंगे छोटी छोटी यात्राएं ज़्यादा होती हैं, वो अपनी जॉब में, अपने करियर में या अपने बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी यात्राएं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विदेश यात्रा के बारे में, तो विदेश यात्रा का संबंध जो है यहाँ पर स्थित गहरी लाइनों से और लंबी लाइनों से होता है। जितनी गहरी और लंबी लाइनें अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो समझो ऐसा व्यक्ति विदेश भ्रमण ज़रूर करेगा और विदेश में जाके काम कर सकता है, सेटल हो सकता है, या लंबी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, विदेशों में यात्राएं हो सकती हैं। क्योंकि ये जो एरिया है मून का, मून हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट होता है वो मून होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यात्राओं से जोड़ते हैं। होता क्या था, मून को जल से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मून जो चंद्रमा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी में जल से भी है, ये जल तत्व होता है। एस्ट्रोलॉजी में मून प्लैनेट को डायरेक्ट यात्राओं से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि पहले ज़माने में जब लंबी यात्राएं की जाती थी तो उस टाइम में हवाई जहाज से यात्राएँ नहीं की जाती थी या कोई ट्रेन्स नहीं होती थी। अगर किसी जगह पर जाना है, लंबी यात्रा करनी है, तो जल मार्ग से किया जाता था, समुद्र के ज़रिए यात्राएं की जाती थी। इसलिए इसका सीधा कनेक्शन जो है यात्रा से जोड़ा गया है हस्त विज्ञान में। अब दोस्तों, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो रेखा आपके चंद्र पर्वत पर यानी कि चंद्र के एरिया पर जो रेखा आपकी बन रही है तो वो विदेश यात्रा कराएगी या छोटी मोटी यात्रा कराएगी। तो विदेश यात्रा जो आपको कराएगी वो रेखा जो होती है
यहाँ से शुरू होकर लंबी चली जाए और ये आपकी लाइफ लाइन को, ये जो है आपकी लाइफ लाइन है हाथ में, इस लाइफ लाइन को अगर टच कर जाती है तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति विदेश भ्रमण ज़रूर करेगा और उसके विदेश में सेटल होने के भी बड़े चांस रहेंगे। इसके अलावा अब उसका जो है विदेश भ्रमण उसके लिए अच्छा होगा, क्या सक्सेस देगा, उसके लिए दोस्तों एक कंडीशन और है कि आपकी जो भाग्य रेखा होती है, जिसे हम शनि की रेखा कहते हैं, ये हमारी शनि की फिंगर होती है और इसकी तरफ जो रेखा यहाँ से निकलती है, ये रेखा चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, नीचे से भी निकल सकती है, या फिर लाइफ लाइन के यहाँ से भी शुक्र पर्वत से भी निकल सकती है। लेकिन अगर ये जो आपकी भाग्य रेखा है, इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं और इसे शनि रेखा भी कहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो शनि रेखा है या भाग्य रेखा है, अगर ये आपकी चंद्र पर्वत से निकलती है, चंद्र के एरिया से निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में विदेश भ्रमण ज़रूर करता है। और यदि उसकी यात्रा रेखा यहाँ से भाग्य रेखा को काटते हुए और आगे जाती है, टच करते हुए, भाग्य रेखा को टच करते हुए आगे लाइफ लाइन से जो है जुड़ जाती है, तो समझो ऐसा व्यक्ति करियर पर्पस के लिए विदेश में सेटल होता है या बाहर जाके नौकरी करता है, बाहर जाके जॉब करता है। अब ये बाहर जाके ऐसे इंसान को तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करेगा उसकी भाग्य रेखा की स्थिति पे। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, देखो यदि भाग्य रेखा शनि की तरफ जाती है तो शनि जो होता है मेहनत का कारक होता है, मेहनत करवाने वाला प्लैनेट होता है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत से विदेश में जाके सेटल होता है, ये सारी कंडीशंस भी होनी चाहिए, विदेश में जाके सेटल होता है और अपनी मेहनत से जो है अपना करियर बनाता है। लेकिन इसके लिए जो है शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा बिल्कुल क्लियर, डार्क और लंबी होनी चाहिए। उस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को सक्सेस अच्छी मिलती है और इजीली मिलती है। लेकिन यदि अगर सपोज करो कि आपकी ये यात्रा रेखा तो भाग्य रेखा को क्रॉस कर जाती है, टच कर जाती है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर भाग्य रेखा कहीं कट गई या उस पर कोई क्रॉस का निशान आ गया, तो ऐसे में क्या होगा कि बाहर जाकर इतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, हो सकता है ऐसे इंसान को लौट के वापस अपने देश भी आना पड़े। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि भाग्य रेखा जो होती है जिससे आपकी यात्रा रेखा कनेक्शन बना रही है, तो विदेश तो आप ज़रूर जा रहे हैं लेकिन विदेश में वो कितना सक्सेस देगी इसकी क्लैरिटी पे डिपेंड करेगा, ये कितनी फ्लुएंट है आपकी रेखा, कितनी सीधी है और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कट नहीं है, कई हिस्सों में बटी हुई नहीं है, तो वो आपको ज़रूर बाहर जाके सक्सेस मिलने के चांस रहेंगे उस केस में। अब यदि आपकी भाग्य रेखा, आपकी यात्रा रेखा, सॉरी यात्रा रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से शुरू होकर, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोने से शुरू हो, अगर सपोज़ करो ये मिडल से भी स्टार्ट हो जाती है और ये भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई और शुक्र पर्वत की तरफ चली जाती है, तो दोस्तों ऐसा इंसान विदेश में जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बढ़िया लग्जरियस लाइफ जीता है, क्योंकि इसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जैसे मीडिया लाइन में हो सकता है, मॉडलिंग में, फैशन में, फैशन से रिलेटेड बिजनेस में हो सकता है या फैशन से रिलेटेड कंपनी में हो सकता है, लोग मॉडलिंग के लिए विदेश चले जाते हैं, या फिर जिस भी बिजनेस में होगा, ज्वेलरी बिजनेस में हो सकता है, तो उसकी जो लाइफ होगी, लाइफ में बहुत लग्जरी होगी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, इंपोर्टेड जो कार्स होती हैं बाहर की, ऐसे लोग विदेशों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो दोस्तों शुक्र के एरिया में अगर ये यात्रा लाइन आपकी चली जाती है आपके भाग्य रेखा को क्रॉस करते हुए और लाइफ लाइन को क्रॉस करते हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है विदेश में जाके सेटल होने का और विदेश में एक लग्जीरियस लाइफ जीने का। लेकिन कंडीशन वही है कि आपकी जो यात्रा रेखा है उसके ऊपर कोई मैलिफिक निशान नहीं होने चाहिए, क्रॉस का पॉइंट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, अगर इसके आसपास जहाँ पर ये
आपकी भाग्य रेखा को काट रही है या आपकी लाइफ लाइन को काट रही है। वहाँ उसके आसपास यदि त्रिभुज ट्रायंगल हो तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर इस पे कोई द्वीप बना हुआ है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई क्रॉस का निशान है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। उस केस में यात्राओं से डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, यात्राओं की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या बाहर जाकर सेटलमेंट में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है ऐसी कंडीशन में वापस भी आना पड़े। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि इंसान जो विदेश जाने वाला है उसको बिज़नेस में फ़ायदा मिलेगा या जॉब करके फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए हम देखते हैं मरकरी रेखा को। मरकरी रेखा यहाँ पर होती है जो मरकरी की उंगली से, यानी कि स्मॉल फिंगर है अपना, चंद्र के एरिया से स्टार्ट होगी और ये मरकरी की उंगली की तरफ जाएगी। इसे हम बिजनेस रेखा भी कहते हैं और बुध रेखा भी कहते हैं। तो ये जो आपकी बुध रेखा है, अगर इसको आपकी यात्रा रेखा अटैच करती है और आपकी भाग्य रेखा दोनों अटैच करती है, प्लस ये आपकी लाइफ लाइन को भी जोड़ती है, तो दोस्तों ऐसा इंसान बिजनेस के सिलसिले में विदेश की यात्राएं करता है या विदेश में जाके बिजनेस करता है, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप होता है इसका। और अगर ये रेखाएं जो बुध की रेखा मैंने आपको बताई है, मरकरी रेखा, ये अच्छी होनी चाहिए, इसमें कहीं कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कहीं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और डार्क होनी चाहिए, प्लस इसमें कोई क्रॉस का निशान, कोई द्वीप नहीं बनाना चाहिए इस रेखा के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसे इंसान बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। अगर इस रेखा में कुछ कट्स आ जाएंगे, कहीं कहीं से कटी टूटी फूटी इस टाइप से रेखा होगी, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसा इंसान बिजनेस करने के लिए बाहर तो जाएगा लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। उस केस में क्या करना चाहिए दोस्तों, उस केस में कुंडली ज़रूर चेक करवानी चाहिए। और हो सकता है बुध आपका जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है और बुध के उपाय करने चाहिए। अब दोस्तों ये कैसे डिसाइड होगा कि आप कैसी कंट्री में जाकर सेटल होने वाले हैं? अगर सपोज़ करो कि सारी कंडीशंस ओके हैं और आप बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं और आपके जो रेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं हैं, वो आपको पूरा फुल सपोर्ट कर रही हैं, तो दोस्तों ये जो एरिया है उसके लिए हम देखेंगे, ये चंद्र का जो एरिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। इस एरिया के अंदर यदि आपकी यात्रा रेखा, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, तो दोस्तों यदि आपकी यात्रा रेखा आपके चंद्र पर्वत के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, यानी कि जो सबसे उभरा हुआ पॉइंट होगा मिडल में, वहाँ पर आती है, तो ये समझ लेना कि आपका अच्छी से अच्छी कंट्री का वीज़ा लग सकता है। कनाडा, यूरोप, यूएस, ऐसी कंट्री में इस टाइप के लोग जाते हैं। और यदि ये रेखाएं डार्क भी होनी चाहिए, ये रेखाएं कुछ ऊपर हो जाएं, थोड़ी और ऊपर या नीचे की तरफ चली जाएं, तो अकॉर्डिंगली छोटी कंट्रीज़ में ऐसा इंसान ट्रैवल करता है या सेटल कर अपने आप को, सेटलमेंट उसकी हो जाती है या बिजनेस करता है। तो यदि बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छी रेखा है, आपकी यात्रा रेखा काफ़ी लंबी है, डार्क है, और इसका कनेक्शन आपकी बुध रेखा के साथ, यानी कि जो बिजनेस की रेखा है उसके साथ भी बन रहा है, प्लस आपकी जो भाग्य रेखा है शनि की रेखा उसके साथ भी बन रहा है, और ये अटैच टच कर रहा है आपकी लाइफ लाइन को, तो ऐसा योग समझ लेना कि बढ़िया से बढ़िया कंट्री में आपका सेटलमेंट हो सकता है, आप विदेश में जाके अच्छे व्यापारी बन सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे आप जॉब कर सकते हो। ऐसे केस में दोस्तों यदि आपकी जो भाग्य रेखा है जिसके साथ आपकी यात्रा रेखा का कनेक्शन बन गया, और भाग्य रेखा का कनेक्शन यदि यहाँ से चंद्र से स्टार्ट होकर भाग्य रेखा आपकी सूर्य की तरफ जाती है, तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के चांस रहते हैं, नेम और फेम होने के बहुत चांस रहते हैं ऐसे केस में। और यदि आपकी ये भाग्य रेखा जो है चंद्र की तरफ से निकल के गुरु पर्वत की तरफ जाती है, यानी कि जुपिटर की फिंगर की तरफ, जुपिटर के माउंट की तरफ जाती है,
तो ये समझ लो कि बहुत इजीली सक्सेस मिलने के चांस हैं आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भाग्य रेखा जुपिटर के माउंट की तरफ चल जाती है तो ऐसे लोगों को बहुत इजीली सक्सेस मिल जाती है, चाहे वो विदेश में हो चाहे अपने ही देश में क्यों ना हो। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, इजी सक्सेस मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे लोग धार्मिक कामों के ज़रिए भी सक्सेस होते हैं, उनका नाम धर्म कर्म के कामों में भी ज़्यादा होता है, जैसे बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं या फिर बाबा संत, ऐसे लोग जो बड़े फेमस हो जाते हैं धर्म कर्म के कामों में, उनकी इस टाइप की रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण विदेश यात्रा के बारे में, विदेश सेटलमेंट के बारे में। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।